मैं बहुत जगह ऐसे देना चाहता हूँ जहां मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछने को मिलते हैं कि सर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी बात बताइए जो हम अपने अंदर से मोटिवेट हमेशा रहे, ठीक है, हमें बार बार मोटिवेशन की बुक या किसी की वीडियो ना देखनी पड़े। तो दोस्तों ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि भाई मोटिवेशन हम किस तरीके से पा सकते हैं, क्या ऐसी बात होती है जो हमें सक्सेस दिला सकती है गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों देखो दो चीज एक ये ऐसी चीज है जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी सफलता आपके कदम चुमेगी। देखो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप किस लिए, आप किस कार्य के लिए उस पोस्ट को पाना चाहते हो। एक मकसद बनाओ कि भाई हमें ये, हमारा मकसद है हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें ये बनना है इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, और हमें ये बनकर ये कार्य करना है इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहला मोटिवेशन का स्रोत यही है कि आप अपने अंदर से अगर मोटिवेट होना चाहते हो तो आप एक एम बनाओ, आप एक मकसद पैदा करो कि आप उस मकसद को क्यों अचीव करना चाहते हो, आप उस पोस्ट को क्यों अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जब आप उस मकसद को बनाओगे तो उसके लिए मेहनत करना करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मकसद पैदा करना बहुत जरूरी है, मकसद एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मकसद होगा तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी और तभी वो आपको पोस्ट मिलेगी। और ये जो दूसरी बात है गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दूसरी बात में मैं आपको ये बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर गाइस आप सफलता को पाना चाहते हो और अपने लिए एक सक्सेस जॉब बनाना चाहते हो, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो फिर भी आपको मोटिवेट जो होता है अंदर से वो नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों दूसरी बात में आपको जो मेरी दूसरी एडवाइस है वो यही है कि आप सबसे पहले अपना वो पल याद करो, कभी ना कभी आपकी इंसल्ट हुई होगी, कभी ना कभी कहीं इंसल्ट हुई होगी आपके आपके फादर की, जो किसी बंदे ने करी होगी कि भाई ये बच्चा तो आपका बेकार है, ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं करेगा, ये बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता, ये बच्चे को आग दिलाओ, इस बच्चे को पढ़ाई मत करवाओ, इसे जॉब करवाओ, ऐसे बहुत ताने सुनने को मिले होंगे। उस आदमी को दिखाने के लिए सफल बनो, उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए सक्सेस को पाओ। जिस दिन आप उसको नीचा दिखाने के लिए सोच लोगे ना कि उस बंदे को जवाब देना मुझे, और जवाब मुंह से नहीं देना, जवाब अपने काम करके देना। जब आप जवाब देने के लिए मेहनत करोगे तो आपको सरकारी जॉब 101% मिलेगी। अब मेहनत करो दोस्तों, क्योंकि कभी ना कभी ये पल सबके साथ आता, मेरे साथ भी आया था कि भाई तीसरा बंदा हमसे, हमारे फादर से यूं कह रहा है कि भाई ये बच्चा पढ़ने में बेकार है, ये बच्चा मेहनत करने नहीं करता, ये बच्चा लापरवाह है, ये कभी सफल नहीं हो सकता, ये किसी भी सूरत में सफल नहीं हो सकता, ठीक है। आज उन बंदों के मुंह बंद हो जाते हैं जब देखते हैं मुझे। तो गाइज मैं आपको यही बता रहा हूं कि उस पल को याद करो कि जब आपके किसी भी बंदे ने, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका कोई हो, देखो दोस्त कोई नहीं होता, दोस्त वो दोस्त काम होता है जो आपको बुरे वक्त में खड़ा रहे, वो दोस्त है, ठीक है। मैं बात यही बता रहा हूं कि अपने उस टाइम को याद करो जिस टाइम आपकी किसी ने इंसल्ट करी होगी, जिस टाइम किसी ने आपके फादर की इंसल्ट करी होगी कि आपका बेटा तो कुछ नहीं कर सकता, उस पल को याद करो। अगर उस पल को याद कर लिया तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।